Good morning, class. Good morning, sir. Sit down. बच्चों, मैं आप सभी लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिसको भी उसका उत्तर आता होगा वह एक एक करके हाथ खड़ा करेगा, कोई भी सामूहिक रूप में उत्तर नहीं देगा। तो आप लोग बताइए कि हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। बहुत बढ़िया, सिट डाउन। हमारे देश का नाम भारत है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। बहुत बढ़िया, बैठिए। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। बताइए, राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। बहुत बढ़िया, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह दोनों सदनों के द्वारा होता है, राज्यसभा और लोकसभा, और साथ ही साथ जो अन्य निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो जो है वो इसके निर्वाचन में राष्ट्रपति के वो सम्मिलित होते हैं। आप लोग ये बताइए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं। राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं, मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला है, सर्वप्रथम भारत का नागरिक हो, मतलब कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो सबसे जो जरूरी एसेंशियल जो बात है, जो चीज है, वह आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो विदेश का है वह भारत का नागरिक, भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ओके, दूसरा है, आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आपकी आयु जो है वह कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम वालों को राष्ट्रपति बनने का, राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बन सकता। ओके, तीसरा पॉइंट है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि वह जो राष्ट्रपति जो उम्मीदवार है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि कोई भी किसी सरकारी नौकरी ना कर रहा हो या फिर कोई आय का उसके स्रोत ना हो, तो वह
कर सकता हो। ओके, तो ये बताइए कि राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए मैं आपको तो बताता हूँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनता है। बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनता है। इसके बारे में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तथा अगर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है तो आप उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक बच्चों, तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका आप लोगों को उत्तर देना होगा। राष्ट्रपति अपना शपथ किसको देता है? राष्ट्रपति अपना शपथ पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना शपथ उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना शपथ पत्र इस्तीफा क्या होता है? इस्तीफा है। बच्चों ये बताइए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। बहुत बढ़िया, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष
राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। ये बताइए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। बहुत बढ़िया, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ये बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं। बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय दिलाते हैं। ओके, अब ये बताइए बच्चों कि राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति की आयु जो है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक बच्चों, आप लोग ये जो ब्लैक बोर्ड वर्क है इसको अपने उत्तर पुस्तिकाओं पर नोट कर लीजिए। हो गया सबका? जी सर। ओके, तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उससे संबंधित मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसका उत्तर आप सभी लोगों को एक एक करके बताना होगा, देना होगा। ठीक जी। बताइए खलोली पहले जी, राष्ट्रपति बनने के लिए, ये सही उत्तर सही गलत जवाब देना है, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है? यस सही है सर। बहुत बढ़िया, वह सही है, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए? गलत। गलत है, बहुत बढ़िया, कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है? सही है। बहुत बढ़िया, तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। अब ये बताइए कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है? सही है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। राष्ट्रपति जो होते हैं वह किसी भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की सजा जो है उसको माफ कर सकते हैं। ठीक, अब बच्चों आप लोग कहिए गृह कार्य है, राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करो। ठीक, ये आप लोग को, ये आप लोग लिख लीजिए और इसको घर से करके लाना है। ठीक बच्चों, थैंक यू क्लास।